अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक एंड्रॉयड प्लेयर, एक एंड्रॉयड सिमुलेटर, जो कि बहुत ही फास्ट है और लो एंड पीसी के लिए है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि स्मार्ट टीवी के नाम से है प्लेयर, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देख लीजिए। तो दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा फास्ट है उससे भी। तो अगर आपको ये पसंद आ जाए तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, अगर वो आ जाए तो वो कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप हर चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप जो भी चीज़ यहाँ पर एंड्रॉयड की इंस्टॉल करना चाहते हो आप कर सकते हैं आसानी से और इजीली रन कर सकते हैं। ये बेसिकली लो एंड पीसी के लिए है जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करता है। ये कोई हैवी एमुलेटर नहीं है जैसे कि ब्लू स्टैक। पहले ब्लू स्टैक का ये था कि वो जो ओल्ड उसका वर्जन था वो लो एंड पीसी के लिए वर्क कर जाता था, 3 GB 4 GB रैम पर वर्क कर जाता था और कोट डू पर भी वर्क कर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो उसका नया वर्जन आया है दोस्तों, जो कि नोगट में है और ब्लू स्टैक 4 के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही लैग करता है। वो हैवी पीसी के लिए अब उन्होंने अपग्रेड किया है उन्होंने, तो वो लो एंड पीसी के लिए वर्क नहीं करेगा। और बाकी भी जो सारे हैं नॉक्स प्लेयर वगैरह वो भी लो एंड पीसी के लिए वर्क नहीं करते हैं। वहाँ पर मसला यह आता है कि वो उनको रिक्वायरमेंट होती है ग्राफिक कार्ड की। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोर टू पीसी है और रैम भी 4 GB है, लेकिन आपको एक ज़रूरत है ग्राफिक कार्ड की, अगर आप सबके पास तो ग्राफिक कार्ड नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए हम आज बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जो कि मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास 2 GB रैम हो वो काफ़ी है और प्रोसेसर जो है वो कोर टू डू में होना चाहिए, डबल कोर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि अगर वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये एक सेट ऑफ फाइल है जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल करना है। सिंपली से यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने इसको यहाँ से इसको यस कर देना है और ये अभी इंस्टॉल करते हैं हम इसको और यहाँ इसको नेक्स्ट कर देना है एग्री और इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है, तो काफ़ी देर स्पीड से इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी हम इसको रन करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। और दोस्तों कमेंट में बस आपने एक चीज़ लिखनी है, नाइस वीडियो। नाइस वीडियो लिखकर आपने कमेंट कर देना है। और यहाँ से हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा जो है, इसका असल नाम है विंड्रोए। तो ये एक एंड्रॉयड एमुलेटर है और लो एंड पीसी के लिए है। तो अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना सिंपली से, अब ये रन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एमुलेटर है वो सक्सेसफुली जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा वर्क करता है। पहले तो जैसे ही आप दोस्तों इसको जो आपका फर्स्ट ओपन होगा, फर्स्ट लुक देगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक मसला आएगा कि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज है। तो आपने इसको इंग्लिश में करना है, तो आपने करना क्या, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने इसको ऊपर करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, यहाँ पर आपने ये चीज़ पहचान में रखनी है। यहाँ पर आपको ए वाला बटन मिलेगा, अल्फ़ाबेट वाला, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे जो ओपन वाला है, सबसे जो पहले वाला है, आपने सिर्फ इस पर क्लिक कर लेना है और इसको आपने नीचे करना है। ये दोस्तों असल में लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर आके इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ से इसको चेंज कर देना है और ये हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है, अब ये पूरा इंग्लिश में हो गया है। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड प्ले स्टोर है। तो अभी आप यहाँ पर, आपके पास अगर अकाउंट है तो आप अकाउंट डालकर यहाँ पर प्ले स्टोर से हर चीज़ जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो। अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो गेम खेल सकते हैं। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं इस पर, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग वाला, यहाँ पर आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आने के बाद आपने स्टैंडिंग में आना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास 4 GB रैम है, लेकिन अगर आपके पास 2 GB रैम होगी तो ये यहाँ पर 1 GB होगी, 1 GB शो करेगा, क्योंकि मेरे जो सिस्टम में जो रैम है वो 8 GB है, इसलिए ये 2 GB इसने जो US में ली हुई है। तो अगर आपके पास जितनी रैम होगी आपने उससे 1 GB रैम कम करके इसको फुल कर देना है। तो अभी मेरी 8 GB है, तो ये टोटल रैम सिर्फ 4 GB जो है वो लेता है। तो अगर आपके पास 4 GB है तो आपने 3 GB कर देनी है। तो अगर 3 GB है तो 2 GB, मतलब 1 GB कम रखनी है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो मतलब दूसरी चीज़ों के लिए भी वर्क करे। अगर आप 4 GB सारी इसको दे देंगे तो बाद में आपका जो सिस्टम है वो लैग करेगा दूसरी चीज़ों पर, तो आप दूसरा वर्क जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास जितनी भी रैम हो उसमें 1 GB जो है वो कम रखनी है। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी जो 4 GB रैम है वो खाली रहेगी, तो आप जो चीज़ मर्जी मर्जी जो है आप बैकग्राउंड में जो वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसको भी रन साथ कर सकते हैं। तो आपने इसको रैम जो है फुल कर देनी है। और ये प्रोसेसर जो है आपका जितना कोर प्रोसेसर है, तो मेरा 4 कोर प्रोसेसर है, तो मैं इसको पूरा 4 कोर दे दूंगा। और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है और ओके कर देना है, और यहाँ से इसको कैंसिल। तो अभी ये 200 काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथली और फास्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उससे भी जो इसकी स्पीड है वो भी ज़्यादा है। तो ये मतलब काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। और अगर आप इसके साथ मतलब कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, अपना फेसबुक वगैरह या इस तरह की चीज़, व्हाट्सएप भी, तो वो भी आप आसानी से इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। तो दोस्तों यार, वीडियो को लाइक कर देना अगर